गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम आप लोगों को एक चैप्टर, नया चैप्टर, चैप्टर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, लेबर टर्नओवर के ऊपर हम आप लोगों को सम्स बताए हैं। और आज हम आप लोगों को दूसरी टॉपिक रिम्यूनरेशन टू वर्कर्स के ऊपर आज हम सम्स तुम लोगों को करवाएंगे। क्या होता है रिम्यूनरेशन टू द वर्कर्स, वर्कर्स लोग को किस तरीके से उसका मेहनत का मुआवजा देने का नाम ही है रिम्यूनरेशन। देखो आमतौर पे मजदूर काम करते हैं ना फैक्ट्रियों में, वो जिस तरह से अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई सैलरी देता है, उसी तरीके से हर एक फैक्ट्रियों में मजदूरों को मजदूरी मिलती है, जिसे कहा जाता है वेजेस। और एक हर मजदूर का एक ही स्कोप होता है कि वो जितना अच्छा से अच्छा वेजेस पाए, ज्यादा से ज्यादा बोनस पाए, ज्यादा से ज्यादा उसको अलायंस मिले। तो आज हम लोग इस टॉपिक में यही चीज निकालना है कि उसको कितना पैसा मिल रहा है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, मुआवजा, मेहनत का मुआवजा। कितने वर्कर्स को यहाँ मिल रहा है आप क्वेश्चन में देख रहे हो, तीन वर्कर है ए बी और सी, ठीक है। और उसका क्या निकालना है आपको, मंथली रिम्यूनरेशन, एक महीने में वो कितना रिम्यूनरेशन पाएगा, ठीक है, फॉर द मार्च 2017। आपका कोई भी एरिया हो सकता है, ये 2022 भी हो सकता है, 2023 भी दे सकते हैं ये लोग एग्जाम में। ये क्वेश्चन है बस, तो आप लोग क्लियर करना चाह रहे हैं अपने चैनल के दोस्त, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखी हुई है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच वर्कर, एक वर्कर। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, इतना करते ही है वो, यानी कि हर एक वर्कर 2000 यूनिट तुमको दे ही रहा है बना करके, हर एक वर्कर 2000 यूनिट तुमको दे रहा है। और एक यूनिट बनाने की कीमत कितना मांग रहा है वो, 5 रुपए, क्लियर। और कंडीशन ये रखता है फैक्ट्री की, अगर कोई सही से काम करे तो उसको 100 रुपए दिया जाएगा, अगर उसका एफिशिएंसी लेवल 90% के ऊपर जाए तो 2% इंक्रीज कर दी जाएगी। अगर 90% के ऊपर जितना भी जाएगा, हर एक 2% पे 100 रुपए दी जाएगी। और आखिरी में लिख रहा है उसको अलाउंस भी मिल रहा है 50% ऑफ द पीस वेज। द यूनिट्स कंप्लीटेड बाय द थ्री वर्कर्स वर इज अंडर, पहला वाला कितना वर्क, कितना यूनिट बनाया, पहले वर्कर्स ने 1900 यूनिट बनाया, बी ने कितना बनाया 1760, और सी ने कितना बनाया 2120। यहां तुम लोग क्लियर हो गए कि तीनों वर्कर को दिया तो इतना इतना तो वो करता है, बट वो कर रहा है कितना, दिस वन एंड दिस वन। तो हम लोग सम्स को स्टार्ट करने के लिए ये आपका मेन स्टेटमेंट, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या पैसा उसको वेजेस मिल रहा है। लेकिन ये स्टेटमेंट में जाने के लिए आपको पहले कैलकुलेशन करके तब यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन में परफेक्ट रहेगा तो आराम से यहाँ पर आप अपना वेजेस निकाल सकते हो। तो देखो एक चीज तो तय है कि भाई पीस वेज, ये तो तय है, क्या है पीस वेज भाई, कि मजदूर को 5 रुपए करके मिल रहा है। अब वो कितना यूनिट बना रहा है, 1900 यूनिट। तो अगर आप 1900 को इससे मल्टीप्लाई करते हो 5 रुपीज से, तो आपको ये 9500 मिलेगा। ओके, इन द सेम वे आप 1760 को मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो आपको 8800 रुपए मिलेंगे। और उसी तरीके से 2120 को आप मल्टीप्लाई करते हो 5 रुपए करके, तो आपको ये 10600 रुपए आपका पीस वेज। तो क्लियर है, ये तो दिख रहा है, इतना तो मजदूर को हम लोग को, इतना तो हम लोग को मजदूरों को देना ही पड़ेगा, ये तो उसको मिल रहा है। इसके साथ साथ मजदूर को और क्या एक्स्ट्रा दो फैसिलिटीज मिल रही है, एक डीए सैलरी के साथ भी मिलती है, वेजेस के साथ, ये अलायंसेस है, ये पैसा है, ये सैलरी के साथ जुड़ा रहता है कि वो जितना भी उसको पीस वेज मिलेगा उसका 50% उसको डीए भी मिलेगा, ठीक है। तो हम आप देख रहे हैं आप अच्छे तरीके से 9500 उसका पीस वेज मिल रहा है, उसका 50% उसका आधा, उसको डीए और बढ़ गया उसका मजदूरी 4750 रुपया। उसी तरह से बी का भी बढ़ गया 4400, और सी का भी बढ़ गया 5300। बस ये नया चीज आने की वजह से, ये दो जो नया चीजें देख रहे हैं आप लोग, तो इस चीज के लिए आपको ये पूरा वर्किंग नोट समझना पड़ेगा कि ये 250 और ये 800 आया कैसे, ये 250 और ये 800 आया कैसे, क्यों? क्योंकि ये है बोनस, और यहाँ सवाल बोनस पे लिख दिया गया, अभी मैंने अंडरलाइन किया कि 100 रुपया दिया जाएगा हर एक 2% इंक्रीज पे, अगर उसका एफिशिएंसी लेवल 90% के ऊपर जाए तो अब एफिशिएंसी तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो एफिशिएंसी निकालने का सबसे आसान सा फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया, क्या फॉर्मूला, जितना भी प्रोडक्शन करे मजदूर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय जितना उसका स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस करने का कैफियत है, उसका आदत है, कुछ भी कह सकते हैं,
इंटू 100 तो आपका 95% कितना बनाया, एफिशिएंसी लेवल ए कितना बनाया 95%, बी का कितना आएगा उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो 88%, और सी का कितना आ रहा है 106%। तो अब आप बताओ कौन 90% के ऊपर गया, प्लीज से ए गया और सी गया, इसे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए देखिए यहां पर डैश दिया हुआ, ये पे डैश है, तो बोनस पाएगा कौन, कौन पाएगा बोनस, सिर्फ ए और सी। वजह क्या है कि ये दोनों वर्कर जो उसका रिक्वायरमेंट था 90% पार कर दिया। अब तो आप लोग जुबानी कह सकते हो एक कैलकुलेशन 100 रुपए क्या आया नहीं आया, या 800 रुपए आया ठीक है, 250 रुपए आया, या आप ऐसे भी बोल सकते हो हर एक 2% पे 100 रुपया, कितना परसेंट जा रहा है ये एक्स्ट्रा 5% जा रहा है, हर एक 2% पे 100 रुपया, तो 4% पे 200 रुपए, 4% पे 200 रुपए, तो 5% पे और 50 जोड़ देंगे 250, तो देखिए आप उसका 250 मजदूरी आ गया ए का, क्लियर। फिर से सुनिए, 2% पे 100 रुपए, तो 4% पे कितना होगा 100 और 100 कितना हो जा रहा है 200, और 1% पे कितना होगा 50 रुपए, तो ऑल टुगेदर कितना मिलेगा एको, क्लियर एवरीवन। उसी तरीके से सी पे जाएंगे, सी कितना परसेंट एक्स्ट्रा गया 16%, तो इट विल बी 106, तो 90 से अगर इसको माइनस करेंगे तो 106 को 90 माइनस करेंगे तो आएगा 16% आएगा, हर 2% पे 100 रुपया, तो 16% पे कितना आएगा डेफिनेटली 800 रुपए आएगा, 100 100 100 100 करके जाएंगे 8 टाइम्स, इट विल बी व्हाट 800, परसेंटेज भी 16 कवर कर जाएगा, बस खत्म। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए तो आपको पता चल गया ए को कितना मिल रहा है 14,500 मजदूरी, बी को कितना मिल रहा है 13,200, और सी को कितना मिल रहा है 16,700 रुपए। समझ में आए, तो हम लोग ये पूरा सम से क्या सीखे कि हमको तो पीस वेज तो मिलेंगे ही, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, आप निकाल लोगे, आपको जो कुछ भी मेहनत करना है बोनस निकालने के लिए मेहनत करना है। अब डीए दे दे किसी क्वेश्चन में, हाउस रेंट अलाउंसेस दे दे, और कोई भी अलाउंसेस दे दे, आप उसको उसके पीस वेज के हिसाब से निकाल सकते हो। देखो आप तो ये और ये तो कैलकुलेट एक बार में कर ही लिए, आपको तकलीफ किसमें हुआ बोनस निकालने में, बट कुछ टफ नहीं है अगर आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये चीज को याद रखोगे तो अल्टीमेटली ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोगों को ये सब समझ में आया, आप लोग उसको गौर से देखिए, क्वेश्चन यहीं पे है, बोर्ड पे ही है। अब अगर आप लोगों को हम इंशाल्लाह अगले आप लोगों को अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को फिर से एक नया टाइप लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।